हरिओम प्रभु जी, ये सृष्टि और ब्रह्मांड आज भी हमारे लिए एक अबूझ पहेली है। विज्ञान के उपकरण और योगियों का चिंतन इन रहस्यों को जानने की कोशिश करता रहा है और आज भी ये यात्रा, ये अनुसंधान, रहस्यों को जानने की खोज अनवरत जारी है। लेकिन प्रभु जी, अभी तक हम इसका अंश मात्र भी नहीं जान पाए हैं। योगियों ने अपने चिंतन से फिर भी इस ब्रह्मांड को और उसके रहस्यों को समय समय पर उजागर किया है और उनको आधार बनाकर विज्ञान ने अपने उपकरणों के माध्यम से वहां पहुंचने की कोशिश की है। जब हम कहते हैं कि इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में हर चीज अपनी धुरी पर घूम रही है, ग्रह हो, उपग्रह हो, पिंड हो, चंद्रमा, सूरज, तारे, आकाश गंगा, इस सौर मंडल की तरह सारे सौर मंडल सब अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं। किसी एक बिंदु की परिक्रमा कर रहे हैं। आज विज्ञान उस बिंदु तक तो पहुंच गया है जिसे वो ब्लैक होल कहता है, लेकिन उस ब्लैक होल के अंदर क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। अनुसंधान हो रहे हैं, इसमें प्रयास हो रहे हैं। हालांकि हमारे योगियों का, मनीषियों का कहना है कि ये वो सुरंग है जिसका रास्ता उस परब्रह्म परमात्मा परम सत्ता पर जाकर खुलता है और वो प्रकाश पुंज है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब व्यक्ति मृत हो जाता है और कुछ समय बाद पुनः जीवित हो जाता है तो वो अपने अनुभव बताता है कि एक सुरंग से जाता है, एक लाइट उसका मार्गदर्शन करती है और वो सुरंग के मुहाने तक पहुंचता है। उसे लगता है कि गलत जगह आ गए हैं और फिर वो वहां से वापस आ जाता है और कुछ ही सेकेंड्स में या एक मिनट में वो शरीर जो निर्जीव हो चुका होता है वो जीवित हो जाता है और वो अपने अनुभव बताता है। योगियों का चिंतन कहता है ये वही सुरंग है, लेकिन हमारा विज्ञान उस सुरंग के अंदर उसकी थाह नहीं पा पाया है। प्रकाश भी भेजा तो वो वापस, जो भी उसके अंदर जाता है कोई वापस लौट के नहीं आता है, लेकिन प्रयास जारी है। इसी तरह प्रभु जी, ये हिमालय भी हमारे लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। हिमालय भी अपने गर्भ में एक रहस्यमय खजाना छुपाए हुए है। देखा जाए तो इस सृष्टि का आरंभ यहीं से हुआ, मानव जीवन की उत्पत्ति यहीं से हुई, हमारे जीवन के सारे पोषक तत्व यहीं इस हिमालय में हैं। दिव्य जड़ी बूटियां, संत महात्माओं के दिव्य आश्रम, गंगा, सिंधु और सरस्वती जैसी नदियां यही है हिमालय में। और जो हम बातें करते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, किन्नर लोक, अप्सरा लोक, इंद्र लोक, भैरवी लोक, ये सारे लोक इसी हिमालय में हैं। और सूक्ष्म नहीं, स्थूल रूप में है, लेकिन हमारी ये आंखें उनको नहीं देख पाती हैं। हमारे देखने की एक सीमा है। आकाश को भी हम देखते हैं तो हम एक सीमा तक देख पाते हैं और लेकिन विज्ञान उपकरण के माध्यम से उसको और दूर तक देख लेता है, दूरबीन लगा के जब वो देखता है। इसी तरह हमारे चिंतन, योगी
अपनी दृष्टि में तीव्रता, एक कंपन पैदा कर देते हैं अपने प्रभाव मंडल में, और उस दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से, वो दूर तक की चीजों को देख पाते हैं। लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। अभी तो हम इस हिमालय में छिपे खजाने की बात कर रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर त्रेता, सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग और आज तक जो भी इस सौर मंडल में गतिविधियां हो रही हैं, वो इसी हिमालय से नियंत्रित हो रही हैं। जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं पृथ्वी पर, वो सब यहीं से नियंत्रित हो रहे हैं। लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा स्रोत जो है बहुत लिमिटेड है। अभी तक जो कुछ हमने जाना, या तो उन संत महात्माओं से सुना जो इस हिमालय में रहे और लौटकर वापस संसार में गए, या कुछ संसार के ऋषि मुनि तपस्वियों ने बताया कि वो सूक्ष्म शरीर से हिमालय के उन लोगों की यात्रा करके आए हैं और वहां पर क्या है ये उन्होंने बताया, और इस पर कुछ किताबें लिखी गई। अगर हम देखें तो जितनी भी जानकारी उपलब्ध है विभिन्न स्रोतों से, तो सब एक ही जगह आकर रुक जाते हैं, सब एक ही उसके आसपास घूमते हैं, और वो है ज्ञानगंज। कई लोगों ने लगातार हमसे पूछा कि ये हिमालय में ज्ञानगंज कहाँ है, क्या आप ज्ञानगंज गए हैं, क्या आप हिमालय के जिन साधु संतों से मिले हैं उन्होंने कभी इस ज्ञानगंज की यात्रा की है, ये कैसा सूक्ष्म लोक है। अभी तक इतना ही जान पाए हैं हम, और जो भी आजकल के स्रोत हैं गूगल से लेकर सोशल मीडिया के जितने भी, उसमें हजारों कहानियां केवल इस ज्ञानगंज के बारे में मिलेंगी, और वही एक ही बात को घुमा फिरा के लोगों ने बताया है। ज्यादातर तो सब काल्पनिक है। इसका स्रोत क्या है? एक संत हुए हमारे यहां विशुद्धानंद जी, उनको गंध बाबा भी कहते थे। उनके पास सिद्धियां थी, परमहंस थे, और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि हिमालय में एक सूक्ष्म लोक है, वहां संत महात्मा हैं, और मैंने वहां की यात्रा की है अपने परम गुरु के साथ, और मैंने वहां सूर्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। ये सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान, इस सब का केंद्र भी वो हिमालय ही है। सूर्य विज्ञान क्या है? सूर्य विज्ञान होता है कि स्पेस बना लेना, शून्य के माध्यम से किसी भी चीज को पदार्थ रूप में उपस्थित कर देना। सूर्य की रश्मियों से इस जीवन के पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेना और उनको किसी भी शेप में बदल देना। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे सूर्य विज्ञान को लेकर। उनके शिष्य थे कविराज पंडित गोपीनाथ जी। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी ज्ञानगंज पर, और अपने गुरु से जो उन्हें प्राप्त हुआ उन्होंने गुरु के अनुभवों को उसमें बताने की कोशिश की है, और बताया है कि ज्ञान गंज क्या है। इसके अलावा लाहिड़ी महाशय ने बताया है, योगी योगानंद जी ने एक पुस्तक लिखी योगी कथामृत, उसमें उन्होंने अपने परम गुरु महावतार बाबा का जिक्र किया है और ज्ञान गंज का, इस सूक्ष्म लोक का जिक्र किया है। योगी जी के गुरु इक्तेश्वर जी ने भी इस पर चर्चा की है, उन्होंने भी बताया है कि मैं कैसे
महाअवतार बाबा जी से मिला, 1890 या उसके आसपास का जो कुंभ था प्रयाग में वहां पर, और उन्होंने मुझे ज्ञानगंज के बारे में बताया था। ये स्रोत है और एक ही तरह की कहानी है प्रभु जी। क्या कहानी है? जो आप लोग जानते हैं, मैं तो फिर वही बताऊंगा कि अभी आप लोग अंश मात्र भी नहीं जानते हैं ज्ञानगंज के बारे में। सारी 1000 कहानियों को पढ़ लीजिए, किताबों को पढ़ लीजिए, एक ही बात है कि ज्ञानगंज एक सूक्ष्म लोक है। वहां ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनकी उम्र न घटती है न बढ़ती है, साधना रत हैं, और यहां के ऋषि मुनि वहां जाते हैं और उनसे दिव्य ज्ञान लेकर वापस आते हैं। वहां टाइम जो नहीं है, घड़ी नहीं बढ़ती है, जो जैसा है वैसा रहता है। युवा है तो वो युवा है, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग है। लोगों ने तो यहां तक बताया कि 12-15 फीट के साधु बड़ी बड़ी जटाओं के साथ वहां विराजमान है। उनकी पलकों की ये जो भौएं की ये जो पलकों के बाल हैं, ये उनके धरती तक आ गए हैं। ऐसी कहानियां बताई हैं, बचपन से मैं भी सुनता रहा हूं। और अभी तो प्रभु जी कुछ ऐसी किताबें आ गई हैं, कुछ ऐसे योगी अवतरित हो गए हैं जिन्होंने ज्ञानगंज की यात्रा की, महाअवतार बाबा से जिन्होंने मुलाकात की, महाअवतार बाबा जी ने जिन्हें ज्ञान दिया, महाअवतार बाबा जी के जो साथ रहे इस ज्ञानगंज में, उन संत महात्माओं को दिव्य आत्माओं के साथ रहे, उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली। देखा जाए तो क्रिया योग लाहिड़ी महाशय ने सबके सामने उसके कुछ सूत्र लाए, योगानंद जी ने उसका प्रचार किया, युक्तेश्वर जी ने उसके बारे में बताया, और ये एकमात्र संस्था है। इस संस्था से जुड़े लोग, योगी आश्रम सोसाइटी, उस क्रिया योग की सूत्र लोगों को बता रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो न योगानंद जी से जुड़े, न योगदा सोसाइटी से जुड़े, न युक्तेश्वर जी से जुड़े, न लाहिड़ी महाशय से जुड़े, वो सीधे महाअवतार बाबा से जुड़े, महाअवतार बाबा ने उनको क्रिया योग की दीक्षा दी, ऐसा वो दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञानगंज होके आया और फिर ज्ञानगंज की बातें आपको बताते हैं। मैंने उन्हें भी जानने की कोशिश की, एक जिज्ञासु के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में। जाना तो प्रभु जी फिर वही कि ज्ञानगंज एक सूक्ष्म लोक है, उम्र बढ़ती घटती नहीं है, ऐसे ऐसे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महाअवतार बाबा हैं, वो विमान लेकर आते हैं, विमान से आए, उन्हें मिले, उनको क्रिया योग की दीक्षा दी और चले गए। आज हम आपको ज्ञानगंज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो मैंने संत महात्माओं के श्री मुख से सुनी है। ये प्रभु जी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ वहीं से नियंत्रित है। इस ज्ञानगंज के बारे में एक तो स्वामी विशुद्धानंद जी ने इसके बारे में बताया, उसके अलावा सेकंड वर्ल्ड वार के समय भी ये ज्ञानगंज चर्चा में आया था। सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि जर्मनी के दो पर्यटक, उन पर कुछ आरोप लगे और उनको अरेस्ट वारंट उनके जारी हो गए विश्व युद्ध के दौरान, तो वहां से भाग गए वो। और भागे तो वो फिर नेपाल के रास्ते होते हुए वो हिमालय की तरफ आ रहे थे, उन्हें भारत आना था, तो वो नेपाल के रास्ते में तिब्बत पहुंचे। तिब्बत में रात हो गई, परेशान थे, थकान भी थी, तो एक जगह जाके बैठ गए। तो वहां उनको एक साधु मिला, उसने पूछा तो उन्होंने कारण बताया, तो साधु उन्हें अपने साथ ले गया एक मठ में।
जब वो मठ के अंदर पहुंचे तो देखा उन्होंने कि उस मठ में सारी सुविधाएं, भौतिक जितनी भी सुविधाएं वो सब मौजूद है। जर्मनी में जो उनके पास था उससे कहीं एडवांस, सारी व्यवस्था, सेवक सेविकाएं, भौतिक संसाधन, सभी तरह का भोजन, अद्भुत। और वो वहां कुछ दिन रहे और एक दिन उस साधु ने उनसे कहा, अब तुम्हारा समय हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है, तुम्हारे वारंट तुम्हारा जो है अब तामील नहीं होगा, अब तुम जा सकते हो। और वो साधु उनको उसी स्थान तक छोड़ने आया जहां से उनको वो लेकर गया था। अब वहां से दोनों पर्यटक फिर चल दिए पैदल पैदल भारत की तरफ। अब भारत की तरफ आए तो रास्ता तो ठीक से नहीं पता था, उस समय की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो वर्मा पहुंच गए और वहां कुछ दिन रहे। फिर धीरे धीरे जब उनका संपर्क बढ़ा, शांति हो गई, तो उन्होंने बताया कि हिमालय में अद्भुत एक मठ मैंने देखा है, वहां ऐसा ऐसा है, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। देखिए उसने कहा कि मेरी आंखों से नहीं, मेरी जी हुई बात है, मैंने उसको जिया है। और उन्होंने उसको लिखा, कुछ पब्लिश हुआ तो आ गए लोग जानने के लिए कि भाई ऐसे स्थान पर तो जाना जाए, हिमालय में ऐसा कौन सा दुर्गम स्थान है जहां सारी सुविधाएं हैं, कैसे वहां पहुंची। तो लोगों ने उनसे प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए और कहा कि आप चाहो तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूं। कुछ अन्वेषक खोजी लोगों के साथ वो दोनों फिर उसी रास्ते से वापस गए, हिमालय गए, तिब्बत गए, और उन्होंने बताया है कि ये सरोवर है, यहां हमने स्नान किया था, हम मठ से यहां स्नान करने आते थे और यहां पर हमें एक साधु मिले थे और यहां मठ था, द्वार था, और अभी तो यहां नहीं है। एक सप्ताह तक वो पूरा दल हिमालय में खोजता रहा, कहीं कोई दिख जाए, मठ दिख जाए, सुविधाओं की बात तो अलग है, घर तो दिखे नहीं, कुछ दिखा, वापस लौट गए। और वो एक अबूझ पहेली की तरह बना रहा। ऐसे ही प्रभु जी जो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो संस्थापक सदस्य हैं, ब्लास का कुछ नाम है, मुझे ठीक से नाम स्मरण नहीं है, महिला है, और कर्नल अलकट शायद उनके पति हैं, उससे भी हिमालय चर्चा में आया। वो महिला योगी आत्मा थी, उनके सदगुरु हिमालय में एक मठ में रहते थे। एक दिन वो अपने पति के साथ जा रही थी, रास्ते में उन्होंने कहा गाड़ी रोको जरा, गाड़ी रोकी ड्राइवर ने, और उन्होंने अपने पति से कहा आप थोड़ी देर बैठो, मैं इस मठ में होकर आती। उनके पति ने देखा सामने एक दरवाजा था एक मंदिर का, उनकी पत्नी वहां से उतरी, उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और थोड़ी देर बाद वहां से वापस लौटी तो उनके गले में और हाथ में फूलों का हार था। उन्होंने आके वो एक हार अपने पति को दिया और कहा आज तो धन्य हो गए, मैं अपने सदगुरु से मिलकर आई हूं। घर आ गए, बात खत्म हो गई, लेकिन वहां बैठे बैठे कार में उनके पति को कुछ अनुभूति हुई। कुछ समय बाद वो व्यस्त हो गई तो उनके पति ने ड्राइवर को बुलाया और कहा चलो हम चलते हैं जरा उस स्थान पर जो तुम मुझे ले गए थे चार दिन पहले, हम लोग जहां गए थे। गए वो लोग, उसी पॉइंट पर गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर से कहा यही पॉइंट था, तुमने यही गाड़ी रोकी थी? बोले हाँ सब यही गाड़ी रोकी थी। दूर दूर तक देखा कोई मठ नहीं दिखाई दिया और वो मठ केवल उन मैडम को दिखाई दिया और उनके पति को, ड्राइवर को नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा
कि हम मैडम के साथ जब आए थे तो यहाँ दरवाजे में मठ था, मठ के अंदर मैडम नहीं थी और फिर वापस आई थी। अभी वो मठ नहीं दिखाई दे रहा है, मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ड्राइवर ने कहा, यहाँ मठ कहाँ हुआ, ये तो रास्ता है जाने का, यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं और मेरा तो ये रूट है, मैं तो कितने बार यहाँ आता जाता हूं, मैंने तो कोई मठ नहीं देखा। कर्नल भ्रमित हो गए, उन्होंने साक्षात उसको देखा, पत्नी को वहां जाते देखा, लौट के आते देखा, वो हार उनको मिला और उन्होंने एक पुस्तक में इसका जिक्र किया है। तब से इसके बारे में बहुत चर्चा हुई और उसके बाद विशुद्धानंद जी के बारे में उन्होंने इस पर लिखा। मेरी बचपन से बहुत जिज्ञासा थी, प्रभु जी मैं जहां भी जाता था सबसे पूछता था ज्ञानगंज कहाँ है। बल्कि 2008-09 में जब मैं 2 वर्ष हिमालय रहा, तो जब मैं यहां से जा रहा था तो रास्ता तो वही था हरिद्वार ऋषिकेश होके, तो हरिद्वार में ऋषिकेश में मुझे लोगों ने कहा कि तुम हिमालय जा रहे हो 2 वर्ष के लिए। पहले से तय था कि मुझे 2 वर्ष तक जाना है, रहना है हिमालय में और लद्दाख से भूटान तक की यात्रा करनी है। तो लोगों ने कहा पता करना वहां संत महात्माओं से कि ज्ञानगंज कहाँ है, अगर तुम्हें जाने का अवसर मिले तो तुम ज्ञानगंज जरूर होके आना। और ये ज्ञानगंज की बात साध आम लोगों ने नहीं, वहां के संतों ने की। मैं कुछ संतों के साथ बीच बीच में रहा, उनको जानकारी थी, इसी तरह से जानकारी मिली होगी, तो वो उन्होंने मुझे सलाह दी कि ज्ञानगंज होके आना, इतना सरल हो जैसे ज्ञानगंज। लेकिन मेरी जिज्ञासा तो थी ज्ञानगंज के बारे में जानने की, तो प्रभु जी फिर मैं अपनी हिमालय में अपनी यात्रा पे निकल पड़ा। अब इसका अगला भाग आप दूसरे पार्ट में देखिएगा। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।